मध्य प्रदेश के निवाड़ी में बेतवा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निवाड़ी में बेतवा नदी में एक महिला की डूबने से मौत हो गई। बेतवा नदी के बेतवा घाट पर महिला का पैर फिसला और वो नदी में गिर गई। पानी के तेज बहाव में बह गई। नदी के किनारे महिला के तीन छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। बच्चे चिल्लाते रहे, बिलखते रहे, लेकिन माँ को बचा नहीं पाए। बच्चों के सामने ही माँ नदी में बह गई। सूचना के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बेतवा नदी में महिला की तलाश शुरू की। एनडीआरएफ की दो टीम को लगाया गया। काफी देर की तलाश के बाद महिला का शव एनडीआरएफ को मिला। तेज बहाव की वजह से महिला काफी दूर बहकर चली गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपने पूरे परिवार के साथ कंचना घाट पर घूमने गई थी। बारिश में ट्रेन की पटरियां भी डूब गई है, पटरियों पर पानी भर गया है। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के कटनी से सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। तस्वीर में देखिए, आपको एक ट्रेन दिख रही है और तीन लोग दिख रहे हैं। ये तीनों लोग आगे आगे चल रहे हैं और इनके पीछे पीछे सीटी बजाती हुई ट्रेन चल रही है। कटनी में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कटनी जबलपुर रूट पर डुंडी स्टेशन के पास पटरी पानी में डूब गई है। ट्रैक पर पानी भरने के कारण ट्रेन को चलाना मुश्किल हो रहा था। अंदर यात्री बैठे थे और वो सहमे हुए थे। फिर मदद के लिए रेलवे के कर्मचारी आए और लाठियों के सहारे वो पानी की थाल लेते हुए ट्रैक पर धीरे धीरे बढ़ते रहे और उनके पीछे पीछे ट्रेन भी धीमी गति से चलती रही।